और अब जो है आगे की ओर बढ़ते हुए मैं आमंत्रण देती हूँ उत्थान समिति के चेयरमैन सत्येंद्र सिंह जी को कि वे आएं और वो अपने विचार इस बाबत रखें कि वो जिस तरह से हिंडन महोत्सव का जो दिमाग में विचार आया और किस तरह से जनता तक, आम जनता तक बात पहुंचाने का तरीका वही होता है कि कुछ ऐसे आयोजन किए जाएं सांस्कृतिक जिनसे वो एकत्र हों और फिर उन्हें धीरे से एक संदेश दे दिया जाए। तो वही प्रयास किया सत्येंद्र जी ने दो दिन से जो हिंडन महोत्सव के जरिए हो रहा था और आज तीसरा दिन है। तो मैं आमंत्रण देती हूँ कि वे आएं और अपना अपने बहुमूल्य विचार जो है वो यहाँ पर रखें। सभी उपस्थित सज्जनों का मैं स्वागत करता हूँ और आप लोगों का बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। प्रशांत वत्स जी हैं, प्रवीण जी हैं हमारे साथ में, जी डी पांडे जी हैं और भी तमाम लोग हैं, राज शर्मा जी और बड़े बड़े साइंटिस्ट और वैज्ञानिक यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि हमें आज बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें इन्वायरमेंट के लिए काम करना चाहिए या हिंडन हमारी जो प्रदूषित हो गई है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण हो गया है हिंडन में, लेकिन केवल बात करने से ही या अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसमें कमी निकालने से ही कुछ नहीं हो सकता है। हमें प्रयास एक मिल के करना चाहिए। जितेंद्र, डॉक्टर जितेंद्र नागर जी जब हमने एक कार्यक्रम शुरू किया तो हमारे साथ आए तो इन्होंने काफ़ी वो किया कि नहीं हम लोग मिल के काम करेंगे और काफ़ी लोग हैं जो शहर में काम कर रहे हैं। संजय कश्यप जी बैठे हुए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सब लोग अगर मिल जाए, हम लोग तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, सरकार भी कुछ करना चाहती है, सरकार का भी दायित्व तो है, सरकार करती भी है, लेकिन सरकार केवल एक हमें सिस्टम दे सकती है, एक हमें रास्ता बता सकती है कि ये करना है या वो इम्प्लीमेंट करके हमें दे सकती है कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए। लेकिन सरकार ने आपको बता दिया कि हाँ यहाँ पे ETP प्लांट लगना चाहिए ताकि आपको हिंडन में पोल्यूटेंट ना जाएं। लेकिन ETP प्लांट लगाने भर से या केवल हमने ETP प्लांट लगा दिया और वो केवल एक डिब्बा है जिसका कि कोई मकसद नहीं है, केवल हमने पोल्यूशन डिपार्टमेंट से NOC लेने के लिए ETP प्लांट लगाया हुआ है। तो इसमें जहां सरकार की एक तरफ जिम्मेदारी बनती है जो कि वो एक स्टेक होल्डर स्वयं है और इसके साथ में कारखाना मालिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने ETP प्लांट को चेक करे कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या केवल एक सो पीस बना हुआ है। इस चीज़ पर वर्क नहीं हो रहा है। हिंडन में सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण है वो केवल इसी चीज़ पर है कि ETP प्लांट जितने भी हैं कहीं पे नहीं काम कर रहे हैं या ETP प्लांट लगे भी नहीं हुए हैं और वो सारा प्रदूषण आपका हिंडन में जा रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा, बस केवल क्योंकि तमाम लोग हैं हमसे बहुत ज्ञानी हैं, हम तो बहुत तुच्छ अपने आप को समझते हैं इस मामले में कि हमें इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रयास एक हम कर रहे हैं आप लोगों के सहयोग से कि किसी तरह से कुछ अच्छा किया जा सके। तो हम सबको सुनेंगे तो हम सबको मौका देते हैं कि सब लोग यहाँ पर हैं और हमारे ख्याल से मेयर साहिब आए क्या? कौन है आप? चलिए, तो मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि हाथ जोड़कर कि कृपया अपनी हिंडन को आप लोग बचाएं और उसको बचाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है किसी भी वे में तो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करें और सरकार हमें जो दे रही है सरकार के भरोसे हम लोग ना रहे कि हमें क्या करना है, हमें खुद प्रयास करने होंगे तभी कुछ हो सकता है। धन्यवाद।